राष्ट्र का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, वर्तमिर अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधारस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते भैया, क्या हुआ? अच्छा चिट्ठी पढ़वानी है, बैठे। भैया इसमें लिखा है कि आपका मनी ऑर्डर पहुंच गया और आपकी माँ जी की तबीयत खराब थी ना, अभी वो ठीक है। रामभरो से भैया मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पढ़ना लिखना सीख लीजिए, आप जिंदगी भर के दूसरों से चिट्ठियां पढ़वाते रहेंगे। आपका अपना नाम लिखना आता है? नहीं आता जी। अच्छा ठीक है, मैं आपको आपका नाम लिखना सिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है। राम भरोसे। अब आप इसे बार बार लिख के देखिएगा और दो दिन बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको आपका नाम लिखना आया कि नहीं, ठीक है? अब आप जाइए। ठीक है जी। आइए मिश्रा जी, आइए सिंगल सर, बैठिए। साइट पर गए थे? जी सर, मैं वहीं से आ रहा हूँ। देखिए डेडलाइन तो निकल गई, अभी आप कंप्लीशन करने में कितना टाइम लेंगे? एक महीना लग जाएगा सर। ओके। सिंगल सर, मशीनों की क्या पोजीशन है? तो साइट मिलने के बाद हम 15 दिन लेंगे, 15 दिन के बाद ओके करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। मिश्रा जी आप साइट पर पहुंचिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा मिश्रा जी, अच्छा सिंगल सर। या ओके। हेलो हेलो अक्षय, क्या खबर है? एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। दादाजी से बात की? हाँ अच्छा अच्छा, ट्राई करो ट्राई करो। हाँ ओके, अपना ख्याल रखना बेटा। पिताजी से बात कराओ।
बेटा रश्मि, तुमने भैया को बधाई दी? क्या बताऊं पापा, मेरी कितनी इच्छा थी भैया को कंग्रेचुलेट करने की। अब देखिए ना, कितनी देर से फोन ट्राई कर रही हूं, भैया फोन पर मिल ही नहीं रहे। कोई बात नहीं बेटा, अपने दोस्तों के साथ बिजी होगा। अरे वो जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा रहा होगा, उसका खुद ही मन नहीं लग रहा होगा। राजीव बेटा, अक्षय के आने की खबर अभी किसी को मत देना। क्यों दद्दू? बेटा तुम नहीं समझती, अगर अभी से ये खबर फैल गई तो लड़की वाले परेशान करना शुरू कर देंगे, और मैं नहीं चाहता कि अभी से उसके पांवों में बेड़ियां डाली जाएं। बाबूजी, खबर छुपती थोड़ी ना है, जो होगा देखा जाएगा। रिश्ते आने में नुकसान क्या है, लड़की देख लेंगे, कोई पसंद आ गई तो फैसला करते रहेंगे बाद में। हेलो जी, नमस्ते अंकल जी, पापा सतपाल अंकल का फोन है। थैंक यू, तुम्हें कैसे पता चला? ओ अच्छा अच्छा, अभी तो ठीक है, कल 3 बजे ऑफिस में। अच्छा पिताजी, सतपाल आपसे बात करें। हाँ सतपाल, बोलो बेटा। हाँ थैंक यू थैंक यू। पोता किसका है? अरे भाई, मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि वो इस बार जरूर रिकॉर्ड बनाएगा। ओके ओके। पिताजी, आप कह रहे थे कि किसी को बताना मत। कह रहा था, उसका कोई दोस्त है यूरोप में, तीसरे नंबर का रईस है ना, रईस भारत की कई बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, उसकी लड़की का रिश्ता दे रहा था अक्षय के लिए। मैंने उसे कल ऑफिस में बुलाया, बात करने में क्या हर्ज है। चलो खैर कोई बात नहीं, सतपाल तो घर का ही बच्चा है। अच्छा भाई चलिए, अब सब खाने पे चलिए। चीनी कितनी? ड्रेसिंग कहाँ मिलेगी? गेट नंबर 3 में। जी धन्यवाद। क्या बात, बड़ी सफाई चल रही है? बात सफाई की नहीं है। और चीनी कितनी डाली? बिटिया, कल तुम्हारा भाई कैम्ब्रिज से लौट रहा है, तुम खुश तो हो ना? जी दद्दू, बहुत। बेटा जब वो कैम्ब्रिज गया था तो छोटा सा था, अब इतने बरसों बाद न जाने कितना उसमें बदलाव आ गया होगा, अब तो पूरा लंबा चौड़ा जवान हो गया होगा है। मुझे भी निकल आई होंगी। दद्दू कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा होता ना अगर अगर मैं भी कैम्ब्रिज जाती। बेटे कैम्ब्रिज तुम जा सकती थी, पर अक्षय को जो राजीव ने कैम्ब्रिज भेजा था उसके पीछे उसका सोच ये था कि आने वाले समय में औद्योगिक जगत में बहुत तकड़ी प्रतिस्पर्धाएं सामने आने वाली हैं, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हमारे यहाँ अपने पांव पसारता आ रहा है, आने वाला समय बहुत तकड़े कंपटीशन का है। अक्षय को इसीलिए वहां भेजा गया था ताकि वो आने वाले समय के लिए अपने आप को हर प्रकार से तैयार कर सके। ऐसी बात तो नहीं है दद्दू, आगे जाके बिजनेस तो मैं भी संभाल सकती हूँ। हाँ बेटे, केवल बिजनेस ही थोड़ी है तेरे करने के लिए, करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। बेटा अपनी माँ को देख, उसने अपने परिवार के फाउंडेशन का और ट्रस्ट का काम कितनी बखूबी संभाल रखा है, किस तरह से उसने अपने आप को समाज के हर तबके के साथ जोड़ लिया, उससे ही कुछ सीख। अच्छा दद्दू, मैं चाहती हूँ कि जब भैया वापस आए ना तो हम उन्हें एक ग्रैंड रिसेप्शन दें। अरे बिटिया
क्या जरूरत है ग्रैंड रिसेप्शन देने की? अब इतने दिनों बाद बेचारा घर लौट रहा है, अपने परिवार वालों के बीच साथ बैठेगा, कुछ हम उससे पूछेंगे, कुछ वो हमें सुनाएगा, साथ बैठकर खाएं पिएंगे, हो गया ग्रैंड रिसेप्शन। हाँ अच्छा बिटिया चल थोड़ा टहल कर आते हैं। बेटे भेज दो। प्रसाद साहब नमस्कार। माफी चाहूंगा, आप ऑफिस जा रहे हैं और मैंने आपको बेवक्त तकलीफ दी। नहीं कोई बात नहीं, बैठ। धन्यवाद। प्रसाद साहब बड़ी खलबली मची है कि मिल बंद हो रही है। किसने कहा आपसे? कहां खलबली है? मैं तो आप लोगों की अफवाहों से बहुत परेशान हूं। कभी अफवाह उड़ती है कि किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, मिल बंद हो रही, कभी मिल बिक रही। अरे मैं मिल का महाप्रबंधक हूं, मुझे खबर तक नहीं लगती और बाहर चारों ओर अफवाह फैल जाती है। क्या है ये सब? प्रसाद साहब अफवाह जो भी उड़ती है बेबुनियाद नहीं उड़ती, उसका कुछ ना कुछ आधार जरूर होता है। क्योंकि ये तो आपने भी सुना होगा कि ताड़ वही होता है जहां तिल होता है, क्योंकि बिना तिल के कभी ताड़ नहीं होता। और ये ना भी सुना हो तो कम से कम ये देखा जरूर होगा आपने कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगा करती है, और वो आग किसी के घर की हो, किसी गरीब के चूल्हे की हो, या किसी मजदूर के पेट की। प्रसाद साहब ये अफवाह कोई नई नहीं है, पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बहुत गर्मा गर्म बहस छिड़ चुकी है कि शुगर मिल बंद होने के बारे में। पहले की बात और थी, लेकिन अब अचानक ये अफवाह, ये बात आपको आधारहीन नहीं लगती? अफवाह है तो बहुत अच्छा है, और जहां तक आधारहीन होने की बात है तो क्या यह सच नहीं कि एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी जल्दी ही लॉन्च होने जा रही है और अक्षय बाबू के टेक ओवर करते ही उसके पब्लिक इशू मार्केट में आ जाएंगे? बस यही कारण है खलबली मचने का, और नहीं तो क्या? सारा मामला तो आईने की तरह साफ है। क्या यह सच नहीं कि धर्मराज जी के बेटे राजीव राज ने कंप्यूटर हार्डवेयर की फैक्ट्री खुलने के बाद कभी इन मिलों की तरफ झांक कर नहीं देखा? तो उनका बेटा जो विलायत से 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ कर आ रहा है, यहां क्या कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा? अजी वो तो भला हो शुगर मिल्स के वाइस प्रेसिडेंट श्री जयराम साहब का, जो धर्मराज जी के प्रति वफादार होने के नाते आज भी शुगर मिल्स में कुछ मिठास बनाए हुए। वरना हम मजदूरों की जिंदगी में तो ना जाने कब की कड़वाहट घुल चुकी होती। ये बताइए ठंडा चलेगा या गर्म? अजी फिलहाल तो मैं ही चलूंगा प्रसाद साहब। देखिए फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ अगर ऊपर से कोई ऐसी खबर आती है तो मैं आपको बता दूंगा। बस अगर ऐसा ही हो तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि। नमस्कार। बहुत देर हो गई अक्षय आया नहीं, अभी तक फ्लाइट का समय तो हो गया है। ठीक है मैं नीचे चलकर ही इंतजार करता हूं। बेटा आने में बहुत देर कर दी, फ्लाइट लेट हो गई थी क्या?
राजीव तो कब से तुम्हें लेने चला गया था? नहीं दादाजी, फ्लाइट तो टाइम से थी, बस एयरपोर्ट से निकलते थोड़ा सा टाइम लग गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई बताने में? नहीं मम्मा। बहुत देर से वेट कर रहे थे भैया हम आपका। सुबह से इंतजार कर रहे थे कब आएगा। चलो बातें बहुत हो गई, अब इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। क्या दिया जाए पहले? हलवा भैया, ये स्पेशल मूंग की दाल का हलवा है, दद्दू ने खास तौर पे आपके लिए बनवाया है, आपको बहुत पसंद है ना? बातें करते रहोगी, दो भी तो उसको। ये लीजिए। और बेटा वो पकौड़ा भी दो इसको। याद है पिताजी, दे रही हूँ, वो भी दे रही हूँ। ये रहे पनीर के पकौड़े। भाई वाह, इन सब चीजों के लिए तो मैं वहां तरस गया था। बेटा खा पी कर थोड़ा आराम कर लो, मैं तब तक ऑफिस से आता हूँ, इस पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। पर हाँ, मैंने कल बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, उसमें तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है। जी पापा। राजीव जी, बेटा ये अभी तो विदेश से लौटा है, इसे दो चार दिन आराम करने दो, खाने पीने दो, तुमने तो आते ही इसे ऑफिस के काम में लगाना शुरू कर दिया। जी वो अक्षय से सभी मिलना चाहते थे, इसलिए मीटिंग रखवानी पड़ी। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय पापा। अक्षय बेटा, मुझे अपने कैम्ब्रिज के संस्मरण सुनाओ। कैम्ब्रिज दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में से एक है, सारी दुनिया की प्रतिभाओं का केंद्र है, वहां विश्व के कई मेधावी छात्र छात्राएं आकर शिक्षा पाते हैं। कुछ लोगों से तुम मिले होगे, कुछ तुमसे आकर मिले होंगे, तुमने उनसे कुछ सीखा होगा, कुछ उन्होंने हमारे बारे में जानना चाहा होगा। मैं सब सुनना चाहता हूँ। क्यों नहीं दादाजी, जरूर सुनाऊंगा। भैया मैंने जो फोन पर आपको चीजें लाने के लिए कहा था वो लाए? पहले भैया को ठीक से खाने तो दो, उसको खिलाओ कुछ। हाँ हाँ रश्मि, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। बेटा तुम थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं भी तुम्हारा इंतजार करते करते थोड़ा थक सा गया। तो क्या क्या दाल चीनी जा रहा है? चाचा जी, अक्षय बेटे ने तो हम सबका माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। हाँ भाई, वो भी क्यों ना, आखिर होता किसका है। अच्छा चाचा जी, इजाजत, मैं चलूंगा। अच्छा बेटा, खुश हो। जैसा कि अभी अभी कंपनी सेक्रेटरी ने बताया कि पिताजी श्री धर्मराज, चेयरमैन शुगर कंपनीज, अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं, हम सबको इस पर विचार करना है। गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। शुगर मिल्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जयराम, डिस्टिलरीज चेयरमैन मिस्टर पीपी पॉल, पेपर मिल्स की सीएमडी मैडम शकुंतला, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी के सीएमडी मिस्टर राजीव राज कंटिन्यू करेंगे, फार्मास्यूटिकल चेयरमैन मिस्टर वीपी सिंह बने रहेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए प्रस्तावित नाम है मिस्टर अक्षय का, जिस पर हम सबको विचार करना है।
फैसले इस प्रकार हैं। श्री धर्मराज जी अपने पद पर बने रहेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के चेयरमैन मिस्टर अक्षय होंगे। समझकर ही हाँ कीजिएगा। भाई हाँ ना तो बस तुम्हें करनी है, मुझे तो दूल्हा बनना है। दूल्हा तो आप बाद में बनेंगे ना, पहले तो आपको लड़की का इंटरव्यू लेना होगा। इंटरव्यू? भाई इंटरव्यू किस बात का, मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ कि मुझे एक सिंपल सी इंडियन लड़की चाहिए। अच्छा भैया पता है सतपाल अंकल एक बहुत बड़े रईस एनआरआई घर का प्रपोजल लेके आए हैं, और लड़की तो कनाडा में है पर बहुत तारीफ कर रहे थे, पर आप बिना लड़की देखे हाँ मत कर दीजिएगा। बिना लड़की देखे भी कोई हाँ करता? बाकी लड़की देखने मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। भैया आप सतपाल अंकल को नहीं जानते, दद्दू पे ना बहुत धाक है उनकी, वो बस एक बार दद्दू को कन्विंस कर ले। पता है जैसे दद्दू से कोई बात मनवानी होती है या पापा से दद्दू बहुत नाराज होते हैं ना, तो ना पापा भी सतपाल अंकल की हेल्प लेते हैं। अच्छा और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? परफेक्ट। अच्छा भैया यू प्रॉमिस मी टू गिव मी वन चॉकलेट। थैंक यू। चॉकलेट पक्का? अभी चलेंगे मार्केट चलते हैं अभी। याद है बेसंत वे अपने मनीषी, विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे, ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे। स्वर्ग में वो सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाएं, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाएं। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा।